हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमने कल की क्लास में सारे देश कवर कर लिए थे एशियन के, तो आज हमारा अगला देश है चीन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सार्क देश कवर किए और एशियन देश कवर किए, तो आप लोग भी रिवाइज कर लेना। आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लिस्ट। तो आप लोगों को ये सारे देश याद करके चलना है। इसके बाद हमारा देश है चीन, तो हमें भी इसे भी याद करके चलना है। ये हमारा हो गया ये चीन का राज। इसके बाद हम इसके राजधानी की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी हो जाएगी बीजिंग। ये आप देख पा रहे होंगे बीजिंग। इसका एक फेमस शहर है वुहान, जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, ये वही शहर वुहान है। और इसे हम एशिया का मरीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा राज्य है। और हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर पर है, जो कि बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरे नंबर पर आता है। अब जनसंख्या के हिसाब से हमारी भारत पहले स्थान पर है। इसके बाद ही हम देख लेते हैं, ये शंघाई है, जो कि एशिया का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर का मतलब होता है कि जहाँ पर सूती वस्त्रों का कारखाना होता है। जैसे कि भारत का मैनचेस्टर कहेंगे तो अहमदाबाद हो जाएगा, यदि हम एशिया का मैनचेस्टर कहेंगे तो शंघाई हो जाएगा, और चीन का मैनचेस्टर कहेंगे तो भी शंघाई ही होगा। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मकाऊ, तो यहाँ मकाऊ सबसे बड़ा जू अड्डा है, तो चीन का सबसे बड़ा जू अड्डा है, जो कि फेमस है मकाऊ। अब इसके बगल में जो हांगकांग आप देख पा रहे हैं, ये हांगकांग बेसिकली 1997 ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, फिर इसके बाद इसे चीन को सौंप दिया गया था। तो यहाँ पर ये हो गया हांगकांग। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चीन है, इसमें लगभग 50% लगभग पर्वत है, इसमें 35% पठार है, ओनली 15% एरिया बसता है जो कि इसकी खेती करने लायक, और थोड़ा बहुत यहाँ पर चावल और फूल हो जाते हैं। यहाँ पर गेहूं बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े खाकर काम चलाते हैं, क्योंकि यदि इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, यदि ये गेहूँ खाना शुरू करेंगे तो इनके पूरे देश का गेहूँ यही अकेले खा जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका सोचा, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगल पहाड़ है, तो वहाँ पर ईजिली मिल जाते हैं कीड़े मकोड़े, वहीं खाते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो बीजिंग है, बीजिंग और शंघाई को एक ग्रांड नहर जाती है, जो कि बीजिंग और शंघाई को दोनों को जोड़ती है। तो ग्रांड नहर आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम और देखते हैं चीन के बारे में। मैंडरिन भाषा बोली जाती है, और चीन में जो तिब्बत है, तो तिब्बत पर 1959 में इसने कब्जा कर लिया था। ये नेपाल ही पर तिब्बत है, और तिब्बत को जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी पठार है जो कि तिब्बत है, उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, तो इसने कब्जा कर लिया है भारत का आधा हिस्सा। इसके बाद इसमें 23 प्रांत हैं, जो कि इसमें 23 प्रांत है, इसमें राजधानी इसकी बीजिंग हो जाएगी। और पीली नदी है, जो कि सबसे सूख गई है अब, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी ओर मोड़ना चाहता है। ये पीला सागर आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर पीली नदी है, जो कि अब सूख गई है। इसके बाद हम इसके फिजिकल मैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को फिजिकल मैप दिखाऊंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि आपने देखा ये चीन है। अब यहाँ पर दो मरुस्थल हैं जो आपको आपकी याद रखना है। ये तकला मकान मरुस्थल, जो कि आपको याद रखना है, तकला मकान मरुस्थल, गोभी मरुस्थल उस मंगोलिया और चीन की बॉर्डर पर है, जो कि कभी कभी चीन ऑप्शन में दे देगा, या तो फिर मंगोलिया चीन दोनों दे देगा। तो आप लोगों को दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो दोनों करने हैं, यदि एक ऑप्शन में मिलेगा तो एक ही करना है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे तिब्बत का पठार, ये हमारा कैलाश पर्वत है। अब यहाँ पर हमने दो पठार देख लिए। आप देख पा रहे हैं जो कत्थई कलर से जो रंगा हुआ है, ब्लैक थोड़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पठार है और यहाँ पर पहाड़ है। और जो ग्रीन कलर से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैदान है। तो इसलिए इतना एरिया सिर्फ चीन का मैदान है, बाकी ये एरिया पठार और पर्वतों से भरा हुआ है। और यहाँ पे ये मंचूरियन का मैदान है, बस यही एक मैदान बसता है, इसी में जनसंख्या इसकी रहती है, और यहीं पर ज़्यादातर रेलवे लाइन बनी हुई है। इसके बाद हम इन्हें देख लिए, यहाँ पर हमारा ये ताइवान है, जो कि ये कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट देश का मतलब कि यहाँ पर एक सेना, मतलब कि जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री को चुनाव उनाव नहीं होते हैं, यहाँ पर एक लीडर होता है, और उस लीडर के हिसाब से सारी सेनाएं काम करती हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होते, बस एक लीडर के हिसाब से पूरा देश चलता है। और यहाँ पर ताइवान है, जो कि लोकतांत्रिक हो गया। ताइवान और चीन को जल संधि अलग करती है, ताइवान जल संधि है, तो इसलिए याद करना, क्योंकि ताइवान है तो ताइवान जल संधि हो जाएगी। इसके बाद हमने लगभग सारी कुछ चीज़ें देख ली हैं, और ये है मंगोलिया, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और हमने यहाँ पर पठार देख लिए, यहाँ पर इसमें दो पठार हैं, यहाँ पे तिब्बत का पठार। इसके बाद हम यहाँ पर एक तियानशान पर्वत है,
जो कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा तियनसान। म्यांमार में हमने सान पर्वत पठार देखा था, सान का पठार, यहाँ पर है तियनसान, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। चीन में हमने दो प्रमुख शहर देखे, तो बीजिंग हो जाएगा उसकी राजधानी, वुहान शहर जहाँ से कोरोना वायरस फैला था, ये संघाई हो जाएगा जो कि मैनचेस्टर है एशिया का, और ये मकाऊ हो जाएगी जो कि जूजू अड्डा है, और ये हांगकांग है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है हांगकांग। तो और इसके भाषा की बात कर लेंगे तो मदारिन भाषा बोली जाती है यहाँ पर, और लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई इसमें। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को डेली हर देश से मैं आप लोगों को 20-25 क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आप लोग जरूर करिएगा और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका पहला क्वेश्चन, चीन की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिंग। एशिया का मरीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। वर्तमान में भारत है, पहले चीन था। चीन की भाषा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मदारिन। निम्न में से कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम देश पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। निम्न देशों में लौह अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। क्योंकि यहाँ पर जब पहाड़ ही पहाड़ है तो यहाँ पर लौह अयस्क तो बेसिकली मिलेंगे ही। रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? इसका राइट आंसर होगा कनिष्क, क्योंकि जो रेशम मार्ग जाता है यूरोप से अलग करता है चाइना को, तो इस रेशम मार्ग में कनिष्क ने कब्जा कर लिया था पहले, तो उसी की बात कर रहा है कि किसका अधिकार था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। तिब्बत चीन का हिस्सा कब बना? 1959, ऑप्शन ए। इसके आगे ग्रांड नहर जो होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजिंग और संघाई को। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघाई। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसके आगे हम बात करेंगे तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो तकला मकान और गोभी मरुस्थल दो यहाँ पर है चीन में, ऑप्शन ए। गोभी मरुस्थल किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन में। एशियाई फ्लावर झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। भारत और चीन को अलग करती है कौन सी रेखा अलग करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तिब्बत की पठार की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5000 मीटर। चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होन्यो नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा यांगसी सियांग। एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। चीन के इस्पात राजधानी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघाई। निम्न में से कौन सा पठार चीन में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। लोएस का पठार भी है, यूनान का पठार भी है, तिब्बत का पठार भी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आए, तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, और बार बार रिपीट करिएगा, आप लोग बार बार वीडियो में देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को पहली बार में कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो दूसरी बार में आप लोगों को चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएंगी और याद भी होंगी। तो मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।